तो चलिए साथ ही इस वीडियो में हम देखेंगे पहली से पांचवी तक के हिंदी और गणित। यहाँ पे 60 क्वेश्चन में आपको 60 क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा जिसमें हिंदी और गणित दोनों सम्मिलित है। पिछले वीडियो में आपने देखा मैंने 6 से 8 के लिए हिंदी, गणित, बाल विकास और विज्ञान सबका मैंने बता दिया, केवल अंग्रेजी बचा है। अंग्रेजी मेरा सब्जेक्ट नहीं है तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है आंसर निकालने के लिए, इसका भी आंसर निकालने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो साथियों चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं पी के साहू, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। पहला आप देख सकते हैं हिंदी का चिरंतन शब्द का विलोम शब्द है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, लोकोक्ति का अर्थ है ऑप्शन नंबर ए, सम्मान नष्ट हो जाने के बाद फिर किसकी चिंता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है पहाड़। यहां पे देखते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन, निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है वह जो न करे सो थोड़ा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाषा सीखने का प्रथम चरण है सुबोपली सुनना। हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम है ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत पाली प्राकृत अपभ्रंश अवट हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी व्याकरण में कितने प्रकार के लिंग होते हैं, तो ऑप्शन नंबर दो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, और यदि संस्कृत में देखेंगे तीन होता है जिसमें नपुंसक लिंग भी सम्मिलित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा बाल साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से संदेहवाचक वाक्य को पहचाने उसने खा लिया होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस खेत की मूली मुहावरे का प्रयोग निम्न में से किस अर्थ में किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी अधिकारहीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कम बोलता है को एक शब्द में कह सकते हैं अल्पभाषी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, स्त्री का पर्यायवाची शब्द है गिरा, ऑप्शन नंबर ए। 44 नंबर का निम्न शब्दों में तत्सम शब्द है वत्स। साथियों मैं जो आंसर बता रहा हूं वो अनुमानित है, मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश की है कि सही आंसर बताऊं, यदि आपको लगता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम उसका संशोधित जरूर डालेंगे। जिस प्रकार से व्यापम में संशोधित उत्तर डालते हैं ना फाइनल आंसर, उसी प्रकार से हम भी डालने का प्रयास करेंगे आपके मदद के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है ऑप्शन नंबर सी, इस समय आपकी आयु 40 वर्ष की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाषा विकास के प्रमुख चरण क्रमशः निम्न है, तो साथियों इसका आंसर आप खुद बताएंगे, मैं इसको संदिग्ध में रखा हुआ हूं, इसका आंसर मैं नहीं बता रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में द्विगु समाज नहीं है ऑप्शन नंबर बी पसेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निशाचर का अनेकार्थी शब्द हो सकता है ऑप्शन नंबर ए उल्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है श्रुति लेख। कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिता को प्रभाषित करता है, साथ ही ऑप्शन नंबर डी माँ को अपने अपनी भाषा में क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उपसर्ग युक्त शब्द है परिधि। सामान्यतः बालक ध्वनि को सुनकर प्रतिक्रिया देना प्रारंभ करता है ऑप्शन नंबर बी 6 से 7 माह में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सही पद क्रम है, लड़का पुस्तक पढ़ता है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध सूचित हो उसे क्या कहते हैं, जहां संज्ञा सर्वनाम का संबंध है ऑप्शन नंबर बी कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेफिक्री के लिए निम्न में से किस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है ऑप्शन नंबर सी घोड़े बेचकर सोना।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगोत्री को लोकोक्ति का अर्थ होता है? ऑप्शन नंबर सी, उच्च और साधारण की तुलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में बहुबरी समाज युक्त शब्द नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, चौलड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न स्वरों में ह्रस्व स्वर है? ऑप्शन नंबर ए, आ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पहली का कक्षा पहले पढ़ने वाले गरिमा अक्सर र पर ड वाले शब्दों को गलत तरीके से बोलती है, आप क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, स्वयं र वाले शब्दों को सहज भाव से उसके समक्ष प्रस्तुत कर उससे धैर्य पूर्वक बोलने का अभ्यास कराएंगे। लास्ट क्वेश्चन है, अनुस्वार युक्त शब्द है? ऑप्शन नंबर सी, अंगूर। ये रहा हिंदी का 30 क्वेश्चन। साथ में यहाँ से भी किसी को लगता है कि कोई प्रश्न का उत्तर त्रुटि हो रहा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर दें, उसका हम सुधार जरूर करेंगे। आप सभी का राय बहुत अनिवार्य होता है। चलिए हम गणित की ओर चलते हैं। सूचना के ज्ञात अंशों को एक साथ रखना और ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ना क्या कहलाता है? आगमन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेनबे का यहाँ पे सोचो इसको पढ़ेंगे आप लोग, मैं आंसर बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर। गणित अधिगम का मूल्यांकन मूलतः होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या गणितीय शिक्षण के मूल्यांकन का आयाम नहीं है? ऑप्शन नंबर जो है, गणित के स्वरूप और कार्य पद्धति, गणित में अरुचि होती है। रोहित को अनुभव होता है कि वर्ग एक समचतुर्भुज रोहित को अनुभव होता है कि वर्ग एक समचतुर्भुज और आयात दोनों है, वह चिंतन के किस चरण में है? तो साथ ही इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दो सम पूर्णांकों का योग सदैव सम होता है, किस विधि से यह सिद्ध कर किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए, आगमन विधि द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयतन और द्रव्यमान के बीच क्या संबंध है? द्रव्यमान को एम से, आयतन को बी से और घनत्व को डी से अंकित किया जाता है। तो द्रव्यमान में क्या होता है? द्रव्यमान में आयतन भी होता है और घनत्व भी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौखिक उदाहरण विद्यार्थियों में किस शक्ति को विकसित करते हैं? सभी को, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। गणित शिक्षण में सांप और सीढ़ी के खेल का उपयोग अत्यधिक उपयुक्त होगा उन अवधारणाओं को विकसित करने के लिए जो संबंधित है। मापन तो हो नहीं सकता, आकृतियों को भी नहीं हो सकता, ज्यामिति भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्गमूल 6.4009 का मान ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक लड़का 20 मिनट में 960 शब्द टाइप कर सकता है तो प्रति घंटे में उसकी टाइपिंग की गति क्या होगी? 20/60/96 या यदि आप करते हो तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर, चौड़ाई 12 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई जो है 8 सेंटीमीटर है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, 1344 सेंटीमीटर का क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस मॉडल में चरण दर चरण सीखना माना जाता है? तो बैंकिंग मॉडल में भी होता है, प्रोग्रामिंग मॉडल में होता है, तो सीधी सी बात है कॉन्ट्रैक्टिव मॉडल में भी होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भिन्न 3/16 को प्रतिशत में बदलिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध नहीं है सही है सॉरी कौन सा संबंध सही है? तो ऑप्शन नंबर बी, चाल बराबर दूरी बटे समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से गणित की प्रकृति का संबंध किससे नहीं है? शुद्धता सत्यता होती है, विशिष्ट क्रम भी होती है, स्वरूप भी होती है, विस्तारित अभिव्यक्ति, ये थोड़ा सा अलग लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 सही 3/4 भागित 1 सही 1/8 का मान ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, 22/9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3, 8, 9 और x का औसत मान 6 है, तो x का मान होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा लंबा बन जाएगा इसलिए क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन आप खुद पढ़िएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। यदि 18:13.5 समानुपात 16:1 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तबीयत ठीक नहीं है साथियों। सीखना यानी रटना किस मॉडल का है? बैंकिंग यानी रटना, बैंकिंग यानी रटना, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेलन का आयतन है, तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 15 तथा उसका लघुत्तम समापवर्तक 300 है, अब एक संख्या 60 है, दूसरी संख्या क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित को बढ़ते क्रम में लिखिए, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोच की वृद्धि और गणितीय संकल्पनाओं के विकास के बीच एक निकट संबंध को किसमें स्थापित किया जा सकता है? तो यह ऑप्शन नंबर सी होगा, अनुसंधान। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा साथी ऑप्शन नंबर ए, आगमनात्मक। कौन से अवधारणाएं अधिक अमूर्त है? तो साथी इसका है बीज गणितीय। कुछ कुछ क्वेश्चन मैंने जो बढ़ाया था सेम टू सेम आ चुका है। गेंद इसका भी देखिए, गेंद वाला मैंने समझा दिया था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका 100% सही आंसर है। तो साथी ये रहा 120 क्वेश्चन तक के, कहने का अर्थ है हिंदी और गणित का मैंने यहाँ पे आंसर बता दिया है। अभी भी बोल रहा हूँ, जिसको सही में आंसर और मालूम हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर दे, हम उसका अवलोकन करेंगे और जरूर उसको और डालने का प्रयास करेंगे, ताकि लोगों के पास सही आंसर पहुंच जाए मॉडल आंसर से पहले। और आप लोग शिक्षक वर्ग से संबंधित तैयारी करते रहिए, हम बहुत जल्द जो है वीडियो आपके पास जरूर लेके आएंगे। जुड़े रहिए, नियमित वीडियो देखने का प्रयास करिए। यकीन मानिए, हम आपको तैयारी इस प्रकार से कराएंगे, आपको बहुत सरल लगेगा, सहज लगेगा और आप आसानी से शिक्षक भर्ती में पेपर दिला सकते हैं। तो साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। यदि अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य करिए। धन्यवाद। थैंक यू।